नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। मलेशिया और भारत के बीच दूरी क्यों बढ़ती जा रही है? क्या कारण है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के सत्ता में वापसी के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट साफ देखने को मिलने लगी है? क्या इसके पीछे आर्टिकल 370 और नागरिकता कानून पर दिए गए बयानों ने दूरी बढ़ा दी या फिर हालातों ने मजबूर कर दिया, जिसका असर द्विपक्षीय रिश्तों पर भी पड़ता दिख रहा है? साल 1981 से 2003 तक महातिर मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे। इस बीच भारत और मलेशिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, जबकि चीन से रिश्ते सामान्य ही रहे। लेकिन 2003 में मलेशिया की सरकार बदलने के बाद द्विपक्षीय कारोबार संबंधों में भी बदलाव देखने को मिला। नजीब रजाक के प्रधानमंत्री काल में चीन को ज्यादा तरजीह दी गई। 2016 में 688 किलोमीटर लंबी ईस्ट कोस्ट रेल लिंक परियोजना और दो गैस पाइपलाइन परियोजना समझौते किए गए। लेकिन महातिर के दोबारा 2018 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बनने पर चीन के 22 अरब डॉलर की परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई। महातिर के सत्ता में वापसी के बाद माना जाने लगा था कि भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय रिश्तों में मिठास आएगी, लेकिन बदलते दौर में भारत सरकार के फैसलों पर मलेशिया नाखुशी जाहिर करने लगा। भारत ने 370 पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने मलेशिया से कश्मीर मुद्दे पर मदद की गुहार लगाई और मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इसके पीछे माना जाता है कि जब मलेशिया 1957 में आजाद हुआ तो पाकिस्तान उन देशों में है जिन्होंने मलेशिया को एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता दी। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर ने 370 हटाने के बाद कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके कब्जा किया, जो भारत को रास नहीं आया। लेकिन महातिर के अब एक और बयान ने भारत के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को मजबूत बल देने लगा है। महातिर ने कहा कि अगर अपने देश में हम भी CAA जैसा एक कानून ले आए तो पता नहीं क्या होगा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि महातिर भारत के आंतरिक मामले में दखल दे रहे हैं। तो क्या महातिर के बयानों के बाद भारत ने मलेशिया को जवाब देने के लिए कोई नया रास्ता निकाला है? बिल्कुल, ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आंकड़ों के जरिए पता चलता है कि भारत ने मलेशिया को जवाब देने के लिए पाम तेल को आधार बनाया है। भारत हर साल 90 लाख टन पाम तेल आयात करता था, जो मलेशिया और इंडोनेशिया से आता था। लेकिन 2019 के 9 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने मलेशिया से 30.9 लाख टन पाम तेल का आयात किया है, जबकि महीने में 4,33,000 टन मलेशिया से पाम तेल आयात करता था। खाने में इस्तेमाल होने वाले पाम तेल का भारत सबसे बड़ा आयातक रहा है, जो मलेशिया से रिफाइन होने के बाद भारत में आयात होता था। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक रिफाइनर्स ने नवंबर और दिसंबर में मलेशिया से पाम तेल नहीं खरीदा, क्योंकि कारोबारियों को आशंका है कि मलेशिया को जवाब देने के लिए भारत सरकार आयात शुल्क बढ़ा सकती है। भारत के इस रोक से मलेशिया की पाम तेल इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है, जबकि इसका फायदा इंडोनेशिया को मिलने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अब इंडोनेशिया से सीधे पाम तेल का आयात करेगी, जो भारत के कारोबारियों को सस्ता भी पड़ रहा है। लेकिन भारत के इस फैसले से मलेशिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि मलेशिया ने ताड़ के पेड़ लगाकर इस बाजार को और फैलाना चाहती थी, जिसके लिए सबसे बड़ा बाजार भारत था। लेकिन मलेशिया के भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से सबसे बड़ा बाजार मुंह फेरने लगा है। इस कड़वाहट के बीच मलेशिया ने पर्यटन का द्वार खोल दिया है। चीन और भारत के पर्यटकों के लिए मलेशिया ने अच्छी खबर दी है। चीन और भारत के पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त मलेशिया घूमने का अवसर दिया है, जो साल 2020 के लिए लागू की गई है। इसके तहत 15 दिन मलेशिया में बिना वीजा के पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस पर 25 जनवरी को महातिर ने हस्ताक्षर किया था। इसके लिए दोनों देशों के पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने के भीतर मलेशिया घूमा जा सकता है। लेकिन मलेशिया से भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच सिर्फ पाकिस्तान और मलेशिया के नजदीक आने का नहीं है, बल्कि मलेशिया ने जाकिर नाइक को 2016 से अपने देश में शरण दे रखी है। जाकिर नाइक पर भारत में नफरत फैलाने का आरोप है, जिसके प्रत्यर्पण की मांग भारत कर चुका है। लेकिन इस दौर में पाकिस्तान और मलेशिया के बीच रिश्तों में आई मिठास ने एक नया संदेश दिया है। महातिर मोहम्मद के शासनकाल में पाकिस्तान मलेशिया के सबसे करीब आया। पाकिस्तान और मलेशिया के बीच 2007 में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। जब मुस्लिम देशों के संगठन की बैठक हुई तो भारत की विदेश मंत्री को बुलाने पर पाकिस्तान के ऐतराज पर मलेशिया ने हां में हां मिलाया था। इमरान खान की सरकार में महातिर ने पाकिस्तान को ऊर्जा सुरक्षा में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
5 अगस्त को जब भारत ने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने की घोषणा की तो महातिर उन राष्ट्र प्रमुखों में शामिल थे जिनसे इमरान खान ने फोन कर समर्थन मांगा और समर्थन मिला भी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे मुद्दों से आप आगे भी अपडेट होते रहें। नमस्कार।